गुरु साहब ने गुरु की साध संगत ने मेरी चोली च पाए आज ओना कुर्सिया नु ठुकरा के आज मैं अपने वीरा ना खड़न दे वास्ते मालिक ने मैनु समत बख्शी। आज मैं थोड़ा शुक्राना कर दिया गुरु साहब का शुक्राना कर दिया कि इस दिन अपना फर्ज अदा करने वास्ते मालिक ने मैनु मौका बख्शिया। साध संगत जी कई चीजा मैं थोड़े सामने रखना चाहती हाँ क्योंकि बहुत सारे भ्रम भुलेखे फैलाए जा रहे ने। आज जिस नुकसान का सामना पंजाब के किसान देख रहे ने एदी नी उस कैप्टन अमरिंदर सिंह तो रखी गई सी जद 2019 च नवी केंद्र में सरकार बनी ते अगस्त के महीने च सारे सूबियां दे मुख्यमंत्री नो बुलाया केंद्र दी सरकार ने ते उन्हां दे नाल सलाह मशवरा कीता कि इस तरह असी प्राइवेट मंडियां बनाना चाहते हैं असी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराना चाहते हैं। ये जिन्हें भी 3 ऑर्डिनेंस आए ने सारे सूबियां दे मुख्यमंत्री दे सलाह मशवरा दे नाल क्योंकि जिहड़ी केंद्र दी सरकार होंदी है वो सियासी पार्टियां दा नहीं पहले अफसर ते मंत्री सूबे की सरकार नाल गल करते ने। आ मेरे को सबूत ने जिवें पार्लियामेंट विच मंत्री ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 3 मीटिंगा वास्ते उन्होंने साडे नाल साडे चीफ मिनिस्टर की मीटिंग विच 8 दूजे चीफ मिनिस्टर के नाल मौजूद से गए ते इन्हां सारे ऑर्डिनेंस बारे उन्होंने अपनी सहमति दिती ते उहदा सबूत आ मिनट्स ऑफ द मीटिंग मैं कढ़वा के लाई हाँ जिथे उस महकमे के अफसर ने लिखा है कि पंजाब सरकार की मंजूरी है। एक गल हैगी अगस्त 2019 की साल तो वध हो गया कैप्टन साहब नूं इहदे बारे पता सी उन्होंने भाप नहीं कढ़ी। उहदे बाद सितंबर के महीने च मनप्रीत बादल वित्त मंत्री पंजाब नीति आयोग के मीटिंग च मुंबई जाते हैं ते उत्थे अपनी सरकार की सहमति दे के आते ने नुमाइंदगी करते ने ते कोई विरोध नहीं करते इन्हां बिलों का। सवा साल बाद उन्होंने भाप नहीं कढ़ी विरोध नहीं किया ते विरोध कर किवें सकते सी क्योंकि 2017 के सुखबीर जी तुहानू दसणगे एक कांग्रेस का चोर मैनीफेस्टो ये सुखबीर जी दसणगे कि इहदे विच किवें लिखिया होया है कि कैप्टन साहब खुद आके पंजाब विच आ तीनों चीजें पंजाब विच लागू करनगे ते 2017 च सरकार बनती है ते अगस्त के महीने च आके आ तीनों चीजा पंजाब च लागू कैप्टन साहब करदे ते अज तक लागू हैगी। आ 2019 दा चोल मैनीफेस्टो कांग्रेस पार्टी दा जिहड़ा राहुल गांधी देश दे सामने रखदे ने ते कहिंदे जे देश विच कांग्रेस की सरकार बनाओगे इहदे विच साफ साफ लिखिया सी आ सारी चीजा असी लागू करांगे। जब कैप्टन साहब ने पंजाब विच लागू किया 2019 च उन्हां दा वादा सीगा 2017 च उन्हां दा वादा सीगा ताही तां जाके जब इन्हां नूं बुलाया गया केंद्र की सरकार नूं अपनी मंजूरी दे के आए। हकीकत आ हैगी ते अज ड्रामे कौन कर रहा हैगा इन्हां तों पुछिया जाए। जब पार्लियामेंट विच वोट पाउण दा समा आया ते इन्हां दे सारे दुखी तिखी जिहड़ी टीमां हैगी आम आदमी कांग्रेस पार्टी सारी तुर गई बाहर ते कल्ले सुखबीर जी तां मैं खड़ के असीं अपना विरोध जताया। अज मैं तुहाडे सामने आ भी रखना चाहवांगी जिहड़े कहिंदे कि मैं सहमति दित्ती मैं यू टर्न किया मैं पहले प्रचार किया ते मगरों मैं मुड़ गई। अज साध संगत जी तुसीं मैनूं केंद्र विच भेजिया केंद्र विच 50-60 अड्ड मंत्रालय होंदे ने हरेक मंत्रालय च की चल रिहा किसे नूं पता नहीं लगता। मैनूं पता लग्या मई दे महीने तीजे हफ्ते विच जब ए एग्र खेतीबाड़ी मंत्रालय तो मेरे कोल फाइल मेरे मंत्रालय च आई कि तुसीं दसो थोड़ी की सुझाव हैगे। हालांकि मैं फूड प्रोसैसिंग मंत्री सी मैनूं फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री दे वल्लों अपने कमेंट लिखने सी लेकिन कढ़वाओ फाइल ते मैं नोटिंग देखो जिथे मैं उहदा विरोध कीता है कि ये मैं पंजाब सूबे तो आंदी साडे किसानां दे फायदे च नहीं है सूबे दी सरकारां दी सहमति लेके ताही इहो जी चीज़ां होनी चाहीदी मैं फाइल च नोट कीती। हालांकि मैं फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री दी मंत्री सी मेरे 3-3 नोटिंग मेरी फाइलां च कोई भी कढ़वा सकदा आईटीआई दे राहीं तुसीं कढ़ लो। इहदा विरोध करन तो बाद
फाइल च लिखन तो बाद अगली जड़ी कैबिनेट हुई उथे पूरी कैबिनेट के सामने प्रधानमंत्री जी मैं कहा कि मैनू पता लग गया है कि यहो जे कोई तीन बिल एग्रीकल्चर मंत्रालय लेके आ रहा है एरा किसाना चे बहुत वड्डा रोस है बहुत वड्डा पंजाब का नुकसान होगा तुसी लोगों के नाल सलाह मशवरा किए बिना तुसी यहो जा कोई कानून नहीं बनाओ। तीन दिन बाद कैबिनेट मीटिंग चे टेबल कर दिता पहले नहीं दसिया मौके चे रखा उथे फिर मैं अपना रोस बताया ते ओदे बाद लगातार ढाई महीने चे तुसी देखिया किसान यूनियन साढ़े घर के बाहर बैठिया सीगिया। मेरा काम होंगे है कि मैं केंद्र विच ते लोगों के विच एक पुल का काम एक ब्रिज का काम करा जेड़ी उठे जिस मनसे दे नाल ये चीज़ा बनाते ने मैं लोगों तक लेके जावा ते लोगों की आवाज़ अपनी सरकार नूं दसा। मेरे लक्ष दसन तो बाद पहले किसान यूनियन ने कहा साडा MSP खत्म हो जाऊगा साडा मंडीकरण सिस्टम खत्म हो जाऊगा। मैं उन्होंने कहा कि मैं मंत्री तो थोड़ा लिखन च दिलवा दिनी हाँ वो लिखन से आप चिट्ठी भी मंत्री तो दिखा दी जरा सारे ने देखी है मंत्री की चिट्ठी लिखन से मंत्री तो ले लिया कि ना MSP खत्म होगी ना मंडीकरण सिस्टम खत्म होगा। जिन्नी शंकाएं किसान यूनियन ने कही वो मैं इतने दर्ज करा लीतियाँ जब उन्होंने फिर भी उन्होंने सहमति नहीं मिली मैं क्या फड़ो ऑर्डिनेंस केड़ी लाइन लगवानी है ते केड़ी कटवानी है मैनू दसो मैं करावांगी। लेकिन अखीर च जब साबित हो गया कि गल्लां दे नाल लोकां दे मनां च विश्वास नहीं हुंदा सी तां मैं अपनी सरकार नूं कहा जदों तक तुसी लोकां नूं विश्वास ते नहीं लै सकदे किसानां दा भरोसा नहीं जीत सकदे तुसी इहो जिहा बिल ना लैके आओ। लगातार मैं 2 महीने कोशिश करदी रही मेरा मकसद सी मैं मसले नूं हल करावां ताकि साडे किसानां दा नुकसान ना होए सरकार दे विच रह के मैं वध फायदा कर सकती सी बाहर रह के मेरी कोई सुनवाई नहीं होनी सी। लेकिन जब पार्लियामेंट तक सेशन शुरू होया तुसी सारे जानदे हो मेरे परिवार के उत्ते कुछ बड़ा औखा समा आया सी मेरे दिन ते मेरे माता जी मेरे पिता जी मेरे भरा सारे ICU फोर्टिस विच दाखिल सीगे ते 10 दिन दिन रात सानू होश ही नहीं सीगे कदे एक दी जान बचा रहे सी कदे दूजे दी जान बचा रहे सी। विचों एक पार्लियामेंट का सैशन रखिया गया माता जी नू ICU च छड़ के मैं दिल्ली भज के गई। एक बार फिर उन्होंने कहा पार्लियामेंट च तुसीं इन्हां नूं ना लैके आओ सिलेक्ट कमेटी च भेजो लोगों की सहमति लैके करो साढ़े पंजाब च अग लग जूगी साढ़े किसान का भविख खत्म हो जूगा ना करो तुसीं इस गल नूं। लेकिन जब देखा कि सुनवाई नहीं होन लगी सी फिर सुखबीर जी ने मन बनाया कि असीं डट के दा विरोध करांगे फैसला किया कि पार्टी प्रधान विरोध करे ते थोड़ी सेवादारों सरकार का हिस्सा बने जे सरकार मेरे किसानों के उत्ते काला कानून ला रहा है लाना ते हो जी कुर्सियां नू मारा ठुडिया कुर्सी नू ते अपना फर्ज अदा करते हुए अपने किसानों के नाल खड़ा दा फैसला किया। विश्वास दिलाना चाहनी हाँ कि थोड़े आशीर्वाद नाल परमात्मा की रहमत सदका इस एक फैसले दे नाल पूरे देश नूं हला इस गुरु की कौम वास्ते पंजाब की चढ़ती कला वास्ते जिथे 100 साल पुरानी श्रोमणी अकाली दल ने अगे होके कुर्बानियां दित्तियां लड़ाइयां कीतियां आज ये संघर्ष जिहड़ा इत्थों ऐलान होगा असी दिल्ली की कंधा हिला के जदों तक किसानों नूं इंसाफ नहीं मिलता अजे तक असी हाथ जोड़ रहे सी हुण लड़ के दिखावांगे इंसाफ लेके दिखावांगे। ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡੀਏ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈਏ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਆ ਆ ਅੰਦਾਦਾ ਭਰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹ ਕੌਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਭੈਣ ਹੋਏ ਭਰਾ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ
जब सड़कां जे उतर आऊगा पंजाब ते फिर किन्नी वड्डी ताकतवर सरकार उन्हां नूं चुकना पऊगा। इत्थों आपां अपनी लड़ाई ऐलान करिए, अपना संघर्ष ऐलान करिए ते इक होके कामयाब मकसद वास्ते गुरु दे चरणां च अरदास करके फतेह मैदान करन वास्ते तुर पईए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।